हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आ जाओ जल्दी से सभी, आपकी एक और नई क्लास शुरू हो चुकी है। दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि जो काम अपने आप को ना अच्छा लगे या फिर जो बातें खुद को ना अच्छी लगे वो अगले से नहीं बोलनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने इन्हीं को बातों को कल से नोट किया है। कल जो सुबह आपकी क्लास हुई थी वो बिल्कुल हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन करवाने में लगभग 20-25 मिनट लग गए थे। आज हम आपको 10 से 15 मिनट के अंदर कम से कम 8 क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन उससे बड़े बड़े होंगे। ध्यान से देखना, क्लास को पूरी देखना। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अगली क्लास बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर मिल सके, ठीक ना? तो बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब PVR स्टडी एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए, दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृतियों में दर्शाया गया है। घनाकार का मतलब होता है क्यूबन क्यूबाइड रूप का। जैसे आपने देखा होगा, आपका पेंसिल बॉक्स होता है, कलर बॉक्स होता है, या मिठाई के डिब्बे होते हैं, चाक का डिब्बा होता है। अभी हम आपको यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये देखिए, घन और घनाभ आकार के, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, मतलब इनको आप 3D में समझिएगा, 3D डाइग्राम में, 2D में नहीं समझ में आएगा, ठीक ना? आगे देखना, आगे क्या कहता है। तो किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर एक डिब्बा इतना बड़ा सा है, एक डिब्बा इतना बड़ा सा है, तो जो डिब्बा छोटा होगा उसमें कम सामग्री लगेगी। लेकिन अगर देखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो फिर कैसे समझोगे? फिर उसके लिए आपको इनका क्षेत्रफल निकालना होगा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, एरिया निकालना होगा, और एरिया से आप कंफर्म करोगे कि कौन सा क्या है, डिब्बा बड़ा है और किस में ज़्यादा सामग्री लगेगी। तो चलिए कर लेते हैं। पहला फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी। फिगर नंबर ए से, हाँ, और क्या बताने वाले हैं, ये फार्मूला है क्षेत्रफल का, जिससे टाइम बचे। दूसरी बात, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, जिससे कि आपको ये लाइव क्लास फ्री में फेसबुक पर भी मिल सके। अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं तो फेसबुक पर अवश्य विजिट करें और PVR स्टडी को फॉलो करें। चलिए, इसमें वैल्यू रख देंगे, फुट कर देंगे 2L। ध्यान देना, इस फिगर में जो यल की वैल्यू है वो सामने आपके दी गई है 60। अगर H का देखोगे हाइट तो 50 है, 50, और अगर V देखोगे यानी ब्रॉड तो कितना है, 40। याद रखना, फिगर नंबर ए से सब कुछ विजिबल है ना, दिख तो रहा है ना, एकदम क्लियर है ना। कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या यानी प्रॉब्लम, कमेंट करना। चलिए, तो साथियों यहाँ पर यल का वैल्यू रखोगे 16 और वी का 4040, और फिर प्लस वी का 4040, एच का 5050, और प्लस यल का 60 और एच का 5050। इस तरह से आपका ये हो जाएगा टोटल 240, 200, 300। सभी को ऐड करोगे तो 300, 200 और ये 200 हो जाएगा 740। कितना हो जाएगा? 740 है ना, और ये 740 में जब मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 4080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फटाफट फटाफट नोट कर लो, एक आंसर आ गया आपका। इसी तरह से हम दूसरे आकृति का क्या निकालेंगे, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर समझ जाएंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। जिसका ज़्यादा आएगा उसको बनाने में ज़्यादा सामग्री लगेगी, जिसका कम आएगा उसको बनाने में कम सामग्री लगेगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला दिखाते हैं, दूसरे वाले का हो गया ना, आगे चलें। चलिए चलिए, दूसरे फिगर के लिए हम देख लेते हैं। ध्यान देना, इसको भी कैसे करेंगे। देखिए, इसमें अगर हम बात करें वी नंबर फिगर की, कौन सा, ए नंबर तो हो गया इसका, आपने देख लिया 1480 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। बी नंबर का देखें, इसकी बात करें तो ध्यान देना, इसमें साथियों अगर आप भुजा की बात करें साइड की तो 50 दी है। तो ये इसका जो सूत्र होता है, किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 6 × भुजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी घन या घनाभ आकार की जो आकृति होती है उसमें 6 फेस होते हैं। कैसे, देखना, गिनना, फेस नंबर 1 ऊपर, फेस नंबर 2 नीचे, फेस नंबर 3 इधर साइड बगल से, फेस नंबर 4 इधर बगल से, हुआ ना, 4 हुआ, फेस नंबर 5 इधर साइड से, और फेस नंबर 6 इधर साइड से।
छह फेस हुआ ना, तो इसी कारण से होता क्या है कि किसी भी जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा होता है उसका स्क्वायर। तो चलो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2500, गुणा करोगे तो दोनों जीरो उतार लो और 6 का गुणा कर दो 25 में। आप जानते हो 25 छक्का होता है कितना, 150 होता है, 150। इस तरह से आपका आ जाएगा कितना, 15000 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, नीचे नहीं लिखा जाता वैसे तो, ये फिलहाल बगल में लिखा जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है साथियों वो हमेशा क्या आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी दिया रहे, मतलब वर्ग मीटर आता है कुल मिला के, या फिर वर्ग इकाई, सॉरी क्या आता है, वर्ग इकाई, जो भी इकाई रहेगी उसका वर्ग रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। हाँ, ये भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का गुणा। किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसकी आकृति की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को कहा जाता है। अब इसमें संयोग की बात है कि सब भुजाएं बराबर हैं, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी, इसलिए उसको क्या करते हैं, 6 × भुजा कर दिया जाता है बस। तो अब आप यहां से समझ गए होंगे, जो घनाभ वाला आया था कितना आया था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने देखा था 1480 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। पूछा क्या था, किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इसका कम आया है, इसका ज़्यादा आया ना, तो जिसका कम आया है उसको बनाने में कम सामग्री लगेगी। अतः आप लिख सकते हो नीचे, अतः घनाभ को या फिर घनाभ आकार वाली आकृति को बनाने में कम सामग्री लगेगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कल इतना ही आपने देखा था लाइव क्लास में, 30 मिनट में पढ़ा था, आज उतना ही मैटर आप 7 मिनट में पढ़ लिए। तो ये होती है अंतर वीडियो और लाइव में। मित्रों अगला सवाल 2 मिनट के लिए है, आप देखते ही इसको कर ले जाओगे बस एक ही चुटकी में। कैसे, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया गया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप गौर करिए इस आकृति पर तो आपके सामने ये आ चुकी है, ये मान लो एक घन है, इसका जो टोटल एरिया दिया गया है क्या है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपको इन साइडों को निकालना है, मान लो ए है, क्या है, ए, तो ये सभी तरफ बराबर होंगी है ना, चूंकि ये घन है तो आप जानते हो ना। चलिए तो आप जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 6 × भुजा का स्क्वायर। तो लिख लो 6 × क्या है, भुजा का स्क्वायर। भुजा को आप कुछ भी मान सकते हो या ना मानो, भुजा ही लिख दो, कोई बुराई नहीं। देखो इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब इधर साइड का ये क्या दिया, 600 दिया है, और ये क्या है, भुजा का स्क्वायर। कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा होगा कि भाई ये 600 कहाँ से लिख दिए, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे लिखा है। अब ये हो जाएगा 600/6 और ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। इतना बात पक्की ना, इसे आप काट सकते हो, क्या आएगा, 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भुजा, यानी कि टेन इक्वल क्या आ गया, भुजा। मतलब कि आप समझ गए इसका आंसर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन नोट करना तुरंत। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही ध्यान से देखना। कह रहा कि रुखसार ने 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर, यानी कि 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त हर जगह पेंट किया, तो बताइए कि फिर उसने कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। तल के अतिरिक्त का मतलब ये होता है साथियों कि जैसे ये डस्टर है,
इसको हम हर जगह से पेंट कर दें, कुल पेंट लगा दें, लेकिन नीचे ना लगाएं पेंट, कहाँ नीचे ना लगाएं, तो बताइए कुल कितना हमने इसको पेंट किया है, इसका क्षेत्रफल कितना है जितना मैंने पेंट किया। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे वही जो आप लगाते हो, लेकिन उसमें से जो नीचे वाला पार्ट के लिए है टू, उसको कम कर दोगे, दोगुना नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि पेटी में छः फेस है, कितने फेस हैं, छः फेस हैं, बोलो हैं कि नहीं, छः है ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच, ये छः, अभी बताया था इसके पहले भी। जैसे ये डस्टर है ऐसे पेटी भी होती है, जो लोग पुराने ज़माना से हैं या पहले के जिनके घर में लोग हैं उनसे पूछिए, जानते होंगे पहले जब लड़कियों की शादी होती थी तो ऐसे एक बक्सा दिया जाता था, जो मिडिल क्लास के फैमिली से होते हैं। अब तो सब सिस्टम बहुत सारा बदल चुका है, फिलहाल हमने कहीं नहीं देखा, शायद अब नहीं होता है, लेकिन पहले ये मिलता था। तो अब आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, इसको मिटाने के बाद फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला में मान रख देंगे, बस आंसर आ गया, नोट कर लिए। आप जानते हो कि इस तरह की जो भी आकृति दी होती है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 × LB + BH + LH होता है, लेकिन साथियों 2 का मल्टीपल इसमें आप एक भुजा में ना करोगे, किसमें, LH में, क्यों, क्योंकि नीचे का तल जो है वो पेंट नहीं किया गया, छोड़ दिया गया है। चलो मान रख देते हैं, मान आपने देखा था क्या था, 1, 2 and 1.5, तो चलो रख देते हैं, क्या होगा, 2 लंबाई थी, चौड़ाई क्या थी, 1 थी, और धन 2 गुड़ा चौड़ाई कितना थी, 1, ऊंचाई कितना थी, 1.5, और धन ये 2 गुड़ा लंबाई थी 2, और ये कितना था ऊंचाई, 1.5। इस तरह से जब आप इसे फाइनल करोगे तो आएगा 2, और इसका मल्टीपल करोगे तो 3, इतने तो आएगा ना, और ये 2 × 4, 4 का 1.5 में मल्टीपल करोगे तो 6 आ जाएगा, और फाइनल में हो जाएगा 11, और मीटर का स्क्वायर कितना आ गया, 11 मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो पेटी थी, जो बक्सा था, उसका 11 मीटर स्क्वायर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया गया था। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को पीछे करके समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी बात तो आप तुरंत पूछिए, और अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दें, और नए नए जुड़े हैं अभी अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इतना ही नहीं, आप हमारे इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में घर बैठे मैथ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम पूरी गारंटी के साथ सिखाते हैं आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर टेलीग्राम पर सर्च करें PVR स्टडी और टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन करें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं, ध्यान देना, बहुत ही गौर से देखना क्या करना है। कह रहा कि वर्णन कीजिए कि दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक दूसरे से जो है वो भिन्न है और किस प्रकार एक दूसरे के एक समान है, मतलब इसमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है दोनों में। जैसा कि आप देख रहे होंगे इन दोनों में कोई सिमिलरिटी लग रही है, देखने में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, चूंकि ये सिलेंडर आकार का है और ये क्या डिब्बा आकार का है, मतलब ये एक सिलेंडर है और ये क्या है, घन है, लेकिन इसमें समानता है, वो क्या है, इसकी ऊंचाई 7 है सेंटीमीटर या मीटर, आप लिख लो सेंटीमीटर, और इसकी भी क्या है, 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर हैं, ये आप समानता में लिख सकते हो, इक्वलिटी है, ठीक। असमानता क्या है, एक बेलन है तथा दूसरा क्या है, घन है। अब चलिए सिलेंडर एंड क्यूब का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्यूब का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक होगा। अब देखना है कौन अधिक होगा, कौन ज़्यादा होगा या कम होगा, उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम करके देखेंगे। चलिए लिखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप हेडिंग लिख लेना, हम नहीं लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हो कि इसका फार्मूला होता है 2πRH, यही होता है ना, मान रख दो 2 × π, पाई की वैल्यू, और R, R मतलब इसमें दिया है 7 दिया है नहीं दिया है, 7 नहीं दिया है, इसमें कुछ लफड़ा होने वाला, वो क्या है ध्यान देना आप, वो ये है कि यहाँ पर आकृतियाँ क्या दी गई हैं, दी गई हैं, और हाँ एक बात और ध्यान देना, इसमें और भी कुछ दिया गया होगा यार, इससे ही नहीं है ये,
ये किस प्रकार समान है और किस प्रकार अलग अलग हैं। हाँ, इसमें एक बात ये भी है, वो क्या है, इसकी जो चौड़ाई है ये भी एक समान है, ये भी साथ है, दी गई है, इसको नोट करना, क्या है, दी गई है। मतलब अगर ये टोटल जो सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब इसका व्यास जो है क्या है, 7 है। अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, डायमीटर का आधी होगी, आधी होगी ना, मतलब 7/2 होगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2, और ऊंचाई मतलब h7, बात पक्की। चलो अब 7 से 7 काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे 11 आएगा, ये हो जाएगा 11 दूना 22, और 22 का 7 में मल्टीपल करोगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 = 15, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि जो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। चलिए देख लेते हैं घन का क्या होगा, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, या वीडियो को रोक करके लिख लिया करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, आज सुपर फास्ट क्लास है, बिना रुके बिना झुके बिल्कुल टेंशन फ्री। चलिए अब लिखो घन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जानते हो ना फार्मूला क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × L² और L का मतलब वही जो दी गई लंबाई, लंबाई तो दी गई ना उसमें, तो क्या करोगे, ये 4 × L का मतलब 7² तो चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 × 49, ये 4 9 36, 4 4 16 3 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 196 आया। इसके पहले आपने देखा था सिलेंडर का 154 आया था, ये बताओ किसका अधिक है। अब नीचे लिख दो, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। ये थी उनमें भिन्नता थी, लेकिन दोनों की ऊंचाई बराबर थी, ये समानता थी, तो बात समझ में आई ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है साथियों, अगला सवाल हम लिखेंगे, उसको आप खुद से लिखना, ठीक ना, इसको आपके सामने ही लिखेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हो ना क्लास बहुत छोटी हो जाती है, क्या आप जानते हो जो क्लास हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, अगर आधा घंटा रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उस क्लास को रिकॉर्ड करने में 2 घंटे का टाइम लगता है, आपको यकीन नहीं होगा। जब हम 60 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो उस क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए हम 60 मिनट की क्लास के लिए 180 मिनट खर्चा करते हैं, लेकिन वही लाइव होता है तो फिर हमारा और आपका हिसाब बराबर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने नोट करेंगे, अब आप देखो कितना टाइम लगता है। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 24 सेंटीमीटर² है, आप भी लिखो अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। एक खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 42 24 सेंटीमीटर² है। आगे क्या कहता है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, अब चलो इसको भी लिखते हैं, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर² चौड़ाई की एक आयताकार चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई। आप लोग भी नोट करो, आयताकार चादर बनाई गई, फिर क्या कहता है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए, यही तो मिल गया इसको सवाल, आयताकार चादर का परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है वो क्या करना है, ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। अब ध्यान देना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा, बस पूरा देखना। देखिए साथियों, मतलब समझना क्या कह रहा है, कह रहा कि ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला बेलन जानते हो ना, बेलन आपने देखा कि नहीं, अरे भाई जिससे रोटी बेलते हैं उसको देखे हो ना,
उसको देखे हो ना, बेलन का मतलब जो गोला गोला आकार का हो, जैसे ये देखो बेलन आकार का है कि नहीं, मतलब जो ऐसे पलट सके, जैसे यहाँ पे रखे इसको ढंगा सके, बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम इसको बोलें बेलन है तो क्या बेलन है ये? नहीं है। लेकिन अगर एक पेन ले लें, एक पेंसिल ले लें तो क्या है? बेलन आकार की होती है। ठीक, तो बस वैसे ही। तो बेलन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? अरे जी ऐसे देख लो, ये क्या है? एक बेलन है। अब क्या कहता है? कह रहा है कि इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई। ऊंचाई के अनुदिश हमारे समझ से बेलन की जो ऊंचाई है इसी में, मतलब एक प्रकार से ऐसे समझ लो, मान लो इसको इतना मैंने काट लिया, नीचे वाला भाग काट लिया, इतना काटा गया उसमें से। ठीक, अब कह रहा है कि जो काटा गया है और बेल चादर बनाई गई है, उस चादर का परिमाप क्या है? तो परिमाप क्या होगा? आप जानते हो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का, वही क्या होगा? उसका परिमाप हो जाएगा। तो आप लिख लो एक लाइन में, नीचे जल्दी से लिखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार चादर का क्षेत्रफल। वह बस यही आंसर हो गया। जल्दी से एक लाइन लिखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल आयताकार चादर का क्षेत्रफल। बस यही करना है। चलिए, आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है किसका? बेलन का। बेलन का जानते हो क्या होता है? 2πRH होता है ना। और आयताकार किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि L गुणे V। तो साथियों यहाँ पर जब आप मान रखोगे तो देखो ये दिया है, ये कितना दिया है? ये दिया है, अभी आप पीछे देखो तो दिया है कहाँ? ये देखो 42 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये 42 24 दिया है। इसमें क्या करना है? L निकालना है। कैसे? B दिया गया है, कह रहा है इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई। कितना सेंटीमीटर चौड़ी है? 33, यानी बी का मान दिया है, ब्रॉड दिया है। चलो यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42 24 बटा 3 इक्वल एल। इसको आप काटोगे, काटो पीटोगे, हल करोगे तो शायद कितना आएगा? 128 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो आप जीरो लेवल की मैथ शुरू से देखो, ये कैसे कट के आ गया 128, वहाँ इसको सिखाया जाता है। तो जल्दी नोट कर लो तुरंत। हो गया ना? इतना हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, कह रहा कि आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है ना साथियों, वो उसकी लंबाई और एक प्रकार से ऐसे बोले कि किसी भी आकृति का परिमाप चारों भुजाओं के जोड़ को कहा जाता है, यानी कि वो जो भी आकृति है उनकी जो भुजाएं दी गई हैं लंबाई चौड़ाई, उनको जोड़ लेते हैं। चूंकि आयताकार जो चादर है, यहाँ लिखो आयताकार चादर का परिमाप बराबर, आप जानते हो आयत का परिमाप, दो बार लंबाई होती है, दो बार चौड़ाई होती है ना, तो ये होता है 2 × L + B, ये होता है ना। चलो रख देते हैं, L का मान अभी आया था 128, B का मान 33, तो हल कर लेते हैं, जोड़ लो इसको, 8 × 3 = 11 हासिल 1, 3 × 2 = 5 = 6 और ये हो गया 161 आया ना। वैसे भी आप जोड़ सकते हो, 30 30 हो जाएगा 60, उधर 3 अधिक है इधर 2 कम है तो बराबर हिसाब हो गया, गुणा कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 = 2 हासिल 1, 2 × 1 = 2 = 3, ये कितना हो गया? सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर में होता है, मतलब इकाई में होता है, वर्ग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं गुणा नहीं हुआ, मल्टीपल नहीं हुआ, इसलिए घात नहीं लगेगी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आप इसे जल्दी से छाप लो तुरंत। आपने देखा होगा कि हमने आपको 4 सवाल लगाए थे 16 मिनट में, है ना, 4 सवाल 16 मिनट में लगवाया,
और इधर आपका एक ही सवाल में कितना मिनट लग गया? 9 मिनट लग गया, क्योंकि हमने इसको सब कुछ आपके सामने किया था, बाकी का जो बैकग्राउंड में वर्क होता है वो भी आपको दिखा दिया। तो साथियों, आज के लिए ये क्लास जो है यहीं तक। इसके आगे एक होमवर्क देंगे हम आपको, उसे आप सुन लो जल्दी से, लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं है, सुन लीजिए, जल्दी से सुनिए, वीडियो को पीछे करके दोबारा सुनिएगा, नहीं लिख पाओगे तो, ठीक ना। किसी सड़क को समतल करने के लिए, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को, एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 मीटर, सॉरी माफ करिएगा, 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर से एक बार सुन लो पूरा में। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, यदि सड़क रोलर का जो व्यास है, मतलब जितनी दूर में वो चलता है, 84 सेंटीमीटर है, तो हाँ, उसकी लंबाई 1 मीटर है, व्यास 84 सेंटीमीटर है, रोलर की लंबाई 1 मीटर है, तो ये बताओ कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? कमेंट करके बताना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें दोपहर 12 से 1 के बीच में फ़ोन कॉल भी कर सकते हो वर्किंग डे में, और ये नंबर आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। और हाँ, जो सभी क्लास के लिंक वगैरह पाना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी ने इन दोनों नंबर से व्हाट्सएप बैन कर दिया है। अब आप लोग इतना सारा मैसेज करते हो व्हाट्सएप पर कि वो अब स्वीकार नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो जिनको भी क्लास करना है, जिनको पेड क्लास करना है, कंप्लीट कोर्स पर करना है, वो घर बैठे कर सकते हैं। जिनको फ्री करना है वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें और यहाँ से देखते रहें। जिनको पूरा क्लास व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे प्राप्त करना है, जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट पेड करेंगे, पेमेंट वाली क्लास करेंगे, उन्हें व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा अलग से, जो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, ठीक ना। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद। अभी थोड़ी देर बाद देखना, 6 बजे से आपकी डीएलएड की क्लास होगी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, और 6:30 बजे से फिर से डीएलएड की क्लास होगी, भूलना मत देखना। 7 बजे से आपका साइंस का स्पेशल क्लास होगी, 7:30 बजे से होगी करंट अफेयर, और 8 बजे से कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। तो सभी क्लास को देखना और सीखते रहना। दोस्तों को भी शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और शेयर करके जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।